हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो दोस्तों, अभी जो है दिन के 2 बजे और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई विवेक और साथ में छोटे छोटे भाई वगैरह हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये सब है मेरे साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे गाँव के लोगों ने अपने खेत में क्या क्या उगाया है, साथ में अपना गाँव भी दिखाऊंगा जो कि नेचर से भरा हुआ है, मतलब चारों ओर का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है और हरा भरा है। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल के न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, चलते हैं अब ब्लॉगिंग की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो सेब का पेड़ है, ठीक है, और देख सकते हैं आप सेब का जो साइज कितना है अभी। दोस्तों, नॉर्मल है सेब का साइज, तो कुछ 2 महीने के बाद जो है इसका जो मैक्सिमम शेप होती वो आ जाएगी 2 महीने के बाद। तब तक देख सकते हैं दोस्तों, सेब काफी फंसे हैं इस पेड़ पर, तो आप देख सकते हैं। और पेड़ भी है यहाँ पर, हर पेड़ में जो है सेब का साइज अलग अलग है। तो गाइस, जितने भी पेड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब पेड़ जो है सेब के पेड़ हैं। कुछ एक पेड़ होंगे दोस्तों बीच में जो मैरीपोजा के होंगे, आगे मैं आपको मैरीपोजा के पेड़ भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सेब के पेड़ को एक बार लगा दिया तो काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सेब के पेड़ को जो है एक बेटे की तरह रखना पड़ता है, जिस तरह एक माँ अपने बेटे की देखभाल करती है उसी तरह जो है सेब के पेड़ की देखभाल करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा कि सेब के पेड़ में काफ़ी मेहनत लगती है और इस मेहनत को जो है पहाड़ के बंदे ही समझ सकते हैं जिनके सेब के बगीचे हैं। तो दोस्तों, आप ये भी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो है फूलगोभी है। तो अभी फूलगोभी जो छोटी है, कुछ पहले दोस्तों मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तो उसमें मैंने आपको दिखाया कि इस खेत में हमने क्या किया था, लहसुन को उखाड़ा था। तो अभी हमने जो है यहाँ पर गोभी उगाई है, तो आप देख सकते हैं गोभी का साइज अभी छोटा ही है। तो इसमें मेरी दोस्तों कम से कम 1 महीने के बाद मतलब इसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब तक ये छोटे। और दोस्तों, गोभी में भी काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, इनको पानी देना पड़ता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पानी की इतनी सुविधा नहीं है, तो हमें पाइप के माध्यम से जो है गोभी को जो है पानी देना पड़ता है। दोस्तों, इस खेत में जो है हमने अपने खाने के लिए हरी सब्जियां उगाई है। दोस्तों, जिस पत्ते को आप देख रहे हैं ये दोस्तों अपनी स्थानीय भाषा में हम कहते हैं घांगड़ी का पत्ता, और ये भी, और दोस्तों यह साग है। साग जो है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और शरीर को अच्छा रखता है, काफ़ी स्वस्थ रखता है। और दोस्तों, ये है आलू, आलू भी हमने उगाया है इस खेत में। तो ये सब जो है हमने खाने के लिए उगाया है इधर। और दोस्तों, ये है मैरीपोजा का पौधा, और आप देख सकते हैं जो है इसमें जो फल लगे हुए हैं और ये पकने की कगार पर है और कुछ दिनों में जो है पूरी तरह से पक जाएंगे। यहाँ आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं ये सब मैरीपोजा के ही पेड़ हैं। गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे गांव का चारों ओर का वातावरण किस तरह का है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्लेस है मेरे गांव के आसपास का। और दोस्तों, मेरा गांव जो है लगवैली में पड़ता है और यहां पर जो है 100 के आसपास घर हैं और 900 और 1000 के करीब जो है जनसंख्या है। तो दोस्तों, बने रहिए इस ब्लॉग में। दोस्तों, मेरे गाँव में जो है देवता त्रिजुगी नारायण का निवास स्थान है और यहाँ पर जो है उनकी कृपा से सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, खुश रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, हमारे गांव में जो है देवता त्रिजुगी नारायण का नया मंदिर बनने जा रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। मैंने छोटा सा शॉट लिया है, तो आप सभी देखिए। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर सामने एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, इसके स्थान पर जो पहले पुराना मंदिर हुआ करता था, तो देवता की आज्ञा के अनुसार ही जो है पुराने मंदिर को उखाड़ कर नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, आपको ऊपर त्रिपाल दिखाई दे रही है।
यहाँ पर जो है कारीगर काम कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं। A few moments later. दोस्तों अभी हम जाएंगे जहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अपनी, मतलब प्राइमरी स्कूल। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे गांव का प्राइमरी स्कूल, और मैंने भी वहीं से ही जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो दोस्तों चलते हैं हम स्कूल की तरफ। A few moments later. तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, और दोस्तों मेरी पढ़ाई भी जो है इसी स्कूल से स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों हमारे टाइम जो है स्कूल की इतनी अच्छी हालत नहीं थी, लेकिन अभी जो काफी अच्छा स्कूल बन गया है ये, मतलब पेंट पुंट और काफी छते छुते लगाए गए यहाँ पर, चादरें वगैरह। तो उस वक्त तो ये चादरें नहीं लगी हुई थी, और ये जो ग्रिल वगैरह आपको दिखाई दे रही है ये भी नहीं लगी हुई थी। और साथ में दोस्तों देख सकते हैं आप टॉयलेट बने हुए हैं। हमारे टाइम जो टॉयलेट की जो है व्यवस्था नहीं थी जब हम पढ़ते थे। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये है स्कूल का ग्राउंड, और यहीं पर नीचे जो है दोस्तों पानी बहता, बहुत ही ठंडा पानी है। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि मैक्सिमम खेतों में जो लोगों ने गोभी उगाई है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, दोस्तों कुछ महीने पहले जो है जो हमारे गांव से पली साइड जो है नदी बहती है, उस नदी का पानी जो है रोड से होकर जो है ग्राउंड में प्रवेश कर गया था, तो जिससे जो है ग्राउंड की हालत खराब हो गई थी। बहुत सारा कचरा जो है जमा हो गया था यहाँ पर, पत्थर वगैरह। तो फिर जो है गाँव के सभी लोगों ने जो है हेल्प करी और ग्राउंड को फिर से अच्छा बनाया, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस नदी की बात मैं कर रहा था, ये हमारे गांव के साइड से होकर गुजरती है, और इस नदी का पानी जो है स्कूल के ग्राउंड में घुस गया था। A few moments later. तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।